हाय गाइस, मैं हूँ शमाली। स्वागत है आपका मिस ट्रेनिंग चैनल पर। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मिस ट्रेनिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुए रेडमी के 20 सीरीज इंडिया में शाओमी पोको F2 और पोको F2 प्रो के रूप में आ सकता है। तो आज मैं इन फोन्स का स्पेसिफिकेशंस, प्राइस कंपेयर करूंगी और साथ में रेडमी बुक 14 लैपटॉप के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, Redmi K20 Pro एंड Redmi K20 फोन्स में 3D 4-sided curved glass back flame डिजाइन किया हुआ है और साथ ही साथ आई कैचिंग ग्रेडिंग फिनिश भी रियर पैनल में। और डिस्प्ले दोनों फोन 4.639 इंचेस फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, साथ में एस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 एंड रेजोल्यूशन 2340 मल्टीपल 100 पिक्सल और 403 PPI एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.9%। और हाँ, प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और भी फीचर्स है, जैसे कि सनस्क्रीन 2.0, कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट, आई प्रोटेक्शन एंड K20 प्रो आता है हार्डवेयर DC डिमिंग सपोर्ट, जबकि रेडमी K20 में इस सपोर्ट की कमी है। एंड कलर ऑप्शंस दोनों फोन के लिए कार्बन ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू एंड फ्लेम रेड कलर। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मिस ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट सेक्शन प्रोसेसर, Redmi K20 Pro पावर्ड बाई ऑक्टोकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 855 चिपसेट, क्लॉक स्पीड अप टू 2.84 गीगाहर्ट्ज़ एंड ग्राफिक्स Adreno 640। वही Redmi K20 में ऑक्टोकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730 चिपसेट, क्लॉक स्पीड अप टू 2.2 गीगाहर्ट्ज़ एंड ग्राफिक्स Adreno 618 यूज किया है। और दोनों फोन में रैम 6GB और 8GB एंड इंटरनल स्टोरेज 64GB और 128GB और 256GB और UFS 2.1 सपोर्टेबल है। OS MIUI 10 जो बेस्ड है Android Piper और गेम टर्बो 2.0 सपोर्टेबल दोनों फोन ही एंड 8 लेयर लिक्विड कूलिंग मौजूद सिर्फ Redmi K20 Pro में। एंड Redmi K20 Pro में 4000 mAh की बैटरी है, साथ में 27 वॉट फर्स्ट चार्जिंग। जहां तक Redmi K20 आता है सेम 4000 mAh बैटरी, लेकिन ऑफर्स 18 वॉट फर्स्ट चार्जिंग। नेक्स्ट कैमरा, Redmi K20 सीरीज प्राइमरी कैमरा ट्रिपल पिक्सल सेंसर, 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 सेंसर एपेचर F1.75 प्लस 13 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा, साथ में वाइड एंगल लेंस एपेचर F2.4 प्लस 8 मेगापिक्सल एपेचर F2.4 और साथ में डुअल फ्लैश। और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल पॉपअप सेल्फी कैमरा और भी फीचर्स है, जैसे कि AI ब्यूटी, AI स्टूडियो लाइट इफेक्ट, AI सुपर रेजोल्यूशन फोटो, AI स्किन कैमरा, कस्टम वाटरमार्क और 960 FPS में स्लो मोशन शूटिंग। मेन डिफरेंस है कि Redmi K20 Pro सपोर्ट 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एट 60 FPS और 30 FPS में, जबकि Redmi K20 सिर्फ 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग करने में कैपेबल है। और दोस्तों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। एंड सेंसर्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डिस्टेंस सेंसर, एक्सीलरोमीटर, गायरो सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पस सपोर्टेबल, लेकिन हाँ, Redmi K20 Pro सपोर्ट कैमरा लेजर फोकस सेंसर, जो कि Redmi K20 में कमी है। और डिवाइसेस में डुअल सिम स्लॉट्स, वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5 वायरलेस टेक्नोलॉजी, USB टाइप सी पोर्ट, NFC और 3.5 mm हेडफोन जैक फीचर्स अवेलेबल। तो फाइनली प्राइस, Redmi K20 Pro स्टार्टिंग प्राइस इंडियन मनी में अप्रॉक्स 25,000 और Redmi K20 स्टार्टिंग प्राइस इंडियन मनी में अप्रॉक्स 20,000। तो ओवरऑल दोस्तों, Redmi K20 सीरीज आता है ग्लास बैक डिजाइन, पॉपअप कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। Redmi K20 Pro इंडिया में आता है Poco F2 Pro के रूप में। तो ये लॉन्च होने वाला है सबसे सस्ता स्नैपड्रैगन 855 स्मार्टफोन बन जाएगा। तो दोस्तों, पोको टेक ऑफ करने के लिए तैयार है पोको F2 सीरीज के साथ फ्लैगशिप किलर के रूप में। एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन्स के लिए पोको F2 प्रो बड़ी चुनौती होगी। नेक्स्ट डिवाइस, Redmi Book 14। Xiaomi ने Redmi K20 सीरीज के साथ Redmi Book 14 भी लॉन्च किया। Redmi Book 14 फीचर्स 14 इंचेस अल्ट्रा नैरो HD डिस्प्ले एंड पावर्ड बाय 8th जनरेशन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर और साथ में NVIDIA GeForce MX250 ग्राफिक्स और रैम 8GB एंड स्टोरेज 512GB। लैपटॉप में DTS ऑडियो सपोर्ट, न्यू कूलिंग सिस्टम एंड इंटेलिजेंट अनलॉक 2.0 फीचर मौजूद। एंड कंपनी ने क्लेम्स किया Redmi Book 14 सिंगल चार्ज करने पर 10 घंटा तक लॉन्ग बैटरी लाइफ देगा। और प्राइस,
बेस वेरिएंट जो कि इंटेल कोर i5 प्रोसेसर एंड 256 स्टोरेज के साथ आता है, प्राइस इंडियन मनी में अप्रोक्स 40,300, जबकि 512 GB मॉडल का अप्रोक्स 43,300 और टॉप एंड मॉडल 8 जनरेशन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर एंड 512 GB का अप्रोक्स 50,500। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए मिस चलिए चैनल के साथ बने रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस। आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स भी करें ताकि मैं आप सबके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मैं शुमाली मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।